नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। आपके सामने कुछ देश दुनिया की बड़ी खबरें लेके आए हैं। बेरोजगारी दर उच्चतम पर पहुंची। अप्रैल तक 12.15 करोड़ लोगों का रोजगार छीना। अप्रैल महीने तक 12.15 करोड़ लोगों को रोजगार जा चुका है। इनमें से 9.13 करोड़ दिहाड़ी मजदूर छोटे व्यापारी के यहाँ काम करने वाले लोगों का रोजगार गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 126 लोगों की मौत। करीब 50,000 पहुंची संक्रमित मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 126 लोगों की मौत हुई। अब तक इस जानलेवा संक्रमण के करीब 50,000 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 1694 लोगों की मौत हो चुकी है। 14,183 लोग ठीक भी हुए हैं। शराब की तस्करी पड़ेगी महंगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में भारी इजाफा किया है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में लड़ाई जारी है। भारत में अन्य देशों की तरह लॉकडाउन लागू है। मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा। बेटे से 2 घंटे तक पूछताछ। मौलाना साद के बेटे से पूछताछ। क्राइम ब्रांच ने 2 घंटे तक पूछताछ। मांगी गई 20 लोगों की जानकारी। सभी प्राइवेट डॉक्टर्स को करना होगा सरकारी अस्पताल में काम। आदेश नहीं मानने पर रद्द होगा लाइसेंस। निजी डॉक्टर चिकित्सा अधिकारियों को कोरोना वायरस अस्पताल में काम में से 15 दिन के लिए काम करने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र में अब तक 15,525 संक्रमण मामले आ चुके हैं। वहीं अब तक 617 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ सोनिया की बैठक। पैकेज को लेकर मोदी सरकार पर निशाना। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद हैं। बैठक में सोनिया ने कहा कि 17 मई के बाद मोदी सरकार के पास लॉकडाउन को लेकर आगे की क्या रणनीति है। कल से शुरू हो सकती है शराब की होम डिलीवरी। जारी की गई गाइडलाइन। 2 लीटर से अधिक शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी। ठेके के बाहर 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। कोविड-19 के 30 टीकों पर रिसर्च जारी। वैज्ञानिक ने पीएम मोदी को दी जानकारी रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 के लिए 30 से ज्यादा वैक्सीन बनाने का काम अलग अलग चरणों में जारी है। इनमें से कुछ वैक्सीन पर रिसर्च भारत में चल रही है। ये जानकारी वैज्ञानिक ने पीएम मोदी को कोरोना के खिलाफ भारत की मौजूदा स्थिति की समीक्षा बैठक में दी। कल तक ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद मौत। कोरोना रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि कांस्टेबल की मौत कोरोना के कारण हुई है। देश में कोरोना के मरीज 47,000 के करीब। अब तक 1583 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 47,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं अब तक इस वायरस से 1583 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।